कक्षा 12वीं विषय गणित इकाई 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता। प्रश्न क्रमांक पहला, निम्नलिखित फलनों की दिए हुए बिंदु पर सांतत्यता का परीक्षण कीजिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स एक्स ऋण 2 बटे एक्स ऋण 1। एक्स बराबरी से 2 पर इसकी सांतत्यता का हमको परीक्षण करना है। सर्वप्रथम हम लिखेंगे क्या यहाँ पर जो दिया है हमारे पास एफ ऑफ एक्स बराबरी से एक्स एक्स माइनस 2 बाय एक्स माइनस 1 में एक्स बराबरी से 2 रखेंगे। जब हम एक्स बराबरी से 2 रखेंगे तो एफ ऑफ 2 हमको मिलेगा 2 माइनस 2 बाय 2 माइनस 1। इसको जब हल करेंगे तो 2 इंटू 0 बाय 1 इक्वल टू इसकी वैल्यू मिली हमको 0। इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। इसके लिए लिमिट एक्स टेनिंग टू 2 प्लस मीन्स राइट हैंड लिमिट 2 से कुछ अधिक एक्स 2 प्लस एक्स एक्स माइनस 2 बाय एक्स माइनस 1। इसका मतलब है कि जहां जहां पर अब एक्स है वहां वहां पर हम इसमें हम एक्स की जगह पर क्या रखेंगे 2 प्लस एच। एक्स के स्थान पर जब हम इसमें 2 प्लस एच रखेंगे तो यहाँ हो जाएगी क्या लिमिट एस टेंड टू 0 एक्स के स्थान पर 2 प्लस एच माइनस 1। ध्यान से देखिए तो ये वैल्यू आएगी लिमिट एस टेंड टू 0 2 प्लस एच 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ h बचा बटे अपने पास h प्लस 1 है। यदि इसमें अब हम h बराबरी से क्या रख दे 0 h क्योंकि 0 की ओर अग्रसित है इसमें अब हम h की जगह पर तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे वो होगी क्या लिमिट एक्स टेंड टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 2 नेगेटिव लिमिट एक्स एक्स माइनस 2 बाय एक्स माइनस 1। जैसे इसमें 2 प्लस एच रखा था वैसी अब इसमें हम जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर 2 माइनस एच रखेंगे। जब 2 माइनस एच रखेंगे लिमिट एच टेन टू 0 एक्स के स्थान पर 2 माइनस एच माइनस 2 बाय 2 माइनस एच माइनस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंडीशन आएगी लिमिट एच टेंड टू 0 2 माइनस एच 2 से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस एच 2 माइनस 1 माइनस एच। अब इसमें हम जहां जहां पर एच है वहां वहां पर 0 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब 0 को रखते हैं 2 माइनस 0 जब इसकी वैल्यू रखेंगे हम माइनस एच माइनस 0 1 माइनस 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी इक्वल टू क्या आ गया 0। इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट
जीरो, इक्वेशन टू जीरो, इक्वेशन थ्री ये भी क्या है जीरो। कहने का मतलब है कि तीनों की तीनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड कितने हैं जीरो। इसका मतलब है कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूटी होगा, सांतत्य होगा, किस पर, एक्स बराबरी से टू पर। तो हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, अतः क्या एफ टू कैसा है, विद्यमान है। अतः एफ टू कैसा है, विद्यमान है। लिमिट लिमिट एक्स टेंड टू टू एफ ऑफ एक्स कौन सी पॉजिटिव डिग्री, एफ ऑफ एक्स सेंटर पॉइंट लिमिट एक्स टेंड टू टू नेगेटिव डिग्री, ये तीनों आपस में कैसी है, इक्वल है। इसलिए क्या परिभाषा अनुसार, इसलिए परिभाषा के अनुसार दिया गया फलन फलन एक्स बराबर से दो पर संतत है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।